नमस्कार साथियों, माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक्सकेवेशन से रिलेटेड एक वीडियो दे रहा हूँ, क्लास स्पेशल। काफ़ी सारे मैसेज थे, कमेंट्स थे कि एक्सकेवेशन की चेकलिस्ट एक बार दिखाएं सर, चेकलिस्ट के बारे में थोड़ा बताएं। तो आज मैं एक्सकेवेशन की चेकलिस्ट है मेरे पास एक बनी है, तो उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसी के बारे में आपको स्टडी देंगे। एक्सकवेशन चेकलिस्ट, एक्सकवेशन मतलब आप सभी प्रॉपरली बड़े अच्छे से जानते हैं, खुदाई। चेकलिस्ट मतलब एक ऐसी लिस्ट जिसमें आप उन चीजों को स्तर जानते हैं, उनको चेक करते हैं। तो यहां पे कॉम्पिटेंट पर्सन, देखिए बोला जाता है, ये चीज़ मैं क्लियर करूं, टू बी कंप्लीटेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन, ऐसा बोला जाता है कि एक्सकवेशन से रिलेटेड कोई काम हो या स्कैफोल्ड से रिलेटेड हो या हाइट वर्क का हो, वो सब ये कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा होना चाहिए। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इंडिया में वो सारी चीज़ें भैया नहीं फॉलो की जाती हैं। कॉम्पिटेंट पर्सन को स्पेशल रखेंगे तो उतना अफोर्ड नहीं कर पाती है कंपनियां, इसलिए सारे काम सेफ्टी वाले को ही करने होते हैं। तो यहाँ पे आप ही कॉम्पिटेंट पर्सन हैं, आप सेफ्टी में अगर वहाँ जॉब कर रहे हैं, आप सुपरवाइजर हैं, ऑफिसर हैं, इंजीनियर हैं, सेफ्टी में कुछ भी हैं, ये काम आपको ही करना है। तो इसमें ऊपर से आप देखिए, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऐसा सेम जरूरी नहीं है कि फॉर्म आप जहाँ काम कर रहे हैं आपको ऐसा ही फॉर्म देखने को मिले। फॉर्म का थोड़ा फॉर्मेट अलग हो सकता है, या जो चेकलिस्ट में चीज़ें लिखी हैं ये आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ कम या ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी ने आपको बना हुआ नहीं दिया है और आपको खुद बनाना पड़ा, तो उसके लिए मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, कंपनी का नाम वगैरह डाल के, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का नाम और वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स नंबर वगैरह ऊपर आएंगे। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, मैं सिर्फ चेकलिस्ट दे रहा हूं कि किसी भी कंपनी के द्वारा आप इसको इशू कर सकते हैं। साइट लोकेशन, भाई किस लोकेशन में काम हो रहा है, आपको यहां पे उस लोकेशन का नाम लिखना होगा। यहां पे आपको लोकेशन लिख दिया पूरा का पूरा, यहां पे मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 4 या तो फिर आपका साइट नंबर 4, जो भी होगा लोकेशन डाल देंगे, डेट डालेंगे, किस टाइम पे चेकलिस्ट हो रही है वो डाल देंगे, और यहाँ पे उस आदमी का नाम जो चेकलिस्ट तैयार कर रहा है, जो चेकलिस्ट बना रहा है। सोयल क्लासिफिकेशन, अब एक्सकवेशन में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो मैं यहाँ पे अगर बताना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी क्लास होगी, उतना टाइम नहीं है। इस सभी के लिए आपको मेरे चैनल पे, योगेंद्र कादन अकेडमी के चैनल पे ही जाके एक्सकवेशन के 5-6 पार्ट बने हुए हैं, मेरे ख्याल से 6 के करीब हैं, तो आपको वो सारे पार्ट देखने पड़ेंगे, उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सोयल क्लासिफिकेशन क्या है, सोयल कई तरह की होती है, तो यहाँ आपने लिखना है सोयल टाइप ए, सोयल टाइप बी, सोयल टाइप सी या रॉक सोयल कौन सी है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सकवेशन डेप्थ, भाई कितने फीट की या कितने मीटर की आप गहराई का एक्सकवेशन चेक करने जा रहे हो और कितनी उसकी चौड़ाई है, तो यहाँ पे डेप्थ और विड्थ दोनों आपने डालनी है। टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज, स्कैफोल्डिंग नहीं सॉरी एक्सकवेशन में जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं वो 3 तरह के अलग अलग होते हैं, और उनको बड़े अच्छे से मैंने पहले वाली वीडियो में जो एक्सकवेशन सेफ्टी है उसमें समझाया हुआ है। आप वहाँ जाएं, एक्सकवेशन सेफ्टी वाले चारों पार्ट देख, 5-6 पार्ट हैं सारे देखेंगे, तो उसमें आपको प्रोटेक्टिव सिस्टम भी पता चलेगा कि कौन कौन से यूज किया जाता है। यहाँ आपने उसका नाम लिखना है कि कौन सा प्रोटेक्टिव सिस्टम यूज किया जा रहा है। अब आता है इंडिकेट, ये चेकलिस्ट पे आते हैं कि भाई अब आपको आगे चेक क्या करना है। सामने में आपको यस नो, और अगर कोई चीज हमारे यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो उसको NA नॉट एप्लीकेबल, देखिए इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल होता है, ये जो एन ए है ना, इसका मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, ये यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते, ये एप्लीकेबल ही नहीं है, बाकी यस और नो यहाँ पे लिखना है। तो
जनरल इंस्पेक्शन है जॉब साइट के लिए, किसी भी एक्सकैवेशन जॉब साइट पे जनरल चीजें क्या होती हैं इंस्पेक्ट करने के लिए, वो जल्दी जल्दी करेंगे आज। एक्सकैवेशन एडजेसेंट एरिया एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम इंस्पेक्टेड बाय ए कंपिटेंट पर्सन डेली बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क। भाई ये जो एक्सकैवेशन स्टार्ट हो रहा है या ये जो एरिया है यहाँ पे जो प्रोटेक्टिव सिस्टम लगाए गए हैं वो सभी एक कंपिटेंट पर्सन के द्वारा डेली काम शुरू होने से, बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क, कोई भी काम शुरू होने से पहले इंस्पेक्ट किया जाता है या नहीं? अगर यस तो यस, अगर नो तो नो। ठीक है, यस तो यस, नो तो नो, ये आपने देखना है। देखिए अगर ये नहीं हो रहा है तो हमने डाल दिया, भैया ये तो नहीं हो रहा है, आदमी नहीं आ रहा है। कॉम्पिटेंट पर्सन हैज द अथॉरिटी टू रिमूव एम्प्लॉयज फ्रॉम द एक्सकैवेशन इमीडिएटली। क्या जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, क्या जिसको वहां पे अथॉरिटी दी गई है उसको इतनी अथॉरिटी है कि इमीडिएटली एक्सकैवेशन से सभी लोगों को उस एरिया से हटा सके, बाहर निकाल सके कि यहाँ पे कोई चीज एक्सकैवेट जो कर रहे हो आप, यहाँ पे सेफ्टी फॉलो नहीं हो रही है, सेफ्टी के रेगुलेशंस को नहीं माना जा रहा है, या यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन नहीं किया है तो आप काम कैसे कर रहे हो, आप तुरंत यहाँ से बाहर निकलिए। क्या उतनी अथॉरिटी है? कॉम्पिटेंट पर्सन हैज द अथॉरिटी टू रिमूव एम्प्लॉयज फ्रॉम द एक्सकवेशन इमीडिएटली। अगर उसको इतनी अथॉरिटी है तो यस, नहीं है दोनों। इनकम्बरेंस, सरफेस इनकम्बरेंस, रिमूव और स्पॉटेड। इनकम्बरेंस होता है सरफेस पे, धरातल पे, जमीन पे बहुत सारा भार हो अलग से, यानी कि कोई बिल्डिंग खड़ी है या कोई बहुत हैवी स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसको या तो हटाया गया है या तो उसको सपोर्ट दिया गया है। नहीं, मान लीजिए कि ये एक दीवार खड़ी है और हमें इस जगह पे इसे हटके यहाँ एक्सकवेशन करना है, तो ये बोझ है, ये बहुत बड़ा भार है, इनकम्बरेंस है इस सरफेस के ऊपर जिसपे हमने एक्सकवेट करना है, तो यहाँ से खुदाई करेंगे तो गिर जाएगा। तो या तो इसको हटाया गया हो या फिर इसको सपोर्ट दिया गया हो, एक्सकवेशन से इसको कोई नुकसान ना हो, तो यहां पे आपको यस और नो करना है। नीचे जा रहा है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयज प्रोटेक्टेड फ्रॉम लूज रॉक और सॉइल दैट कुड पॉज ए हैजार्ड बाय फॉलिंग और रोलिंग इनटू एक्सकवेशन। भाई एक्सकवेशन के अंदर काम कर रहे हो तो ऊपर से पत्थर ना गिर जाए, ऊपर से मिट्टी कोलैप्स ना हो जाए, नीचे ना दब जाए, ऐसा कोई हैजार्ड है कि नहीं है, तो वो आपको यहां करना है। इसके बाद हार्ड हैट, हेलमेट की बात है, हेलमेट सभी को होने चाहिए। स्पॉइल्स मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट सेट बैक एटलीस्ट 2 feet, 2 feet फ्रॉम द एज ऑफ एक्सकवेशन, जहां पे खुदाई हो रही है उसका जो किनारा है, खुदाई जो यहाँ पे कर रही है, जो खड्डा बना हुआ है उसका जो किनारा है उससे कम से कम 2 feet दूर, वो जो खोदी हुई मिट्टी है, पत्थर हैं या रोड़ी हैं जो भी हैं, वो 2 feet कम से कम, ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते लेकिन कम से कम 2 feet दूर होना चाहिए उसको। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बैरियर प्रोवाइडेड एट ऑल रिमोटली लोकेटेड एक्सकवेशन वेल पीट शॉफ्ट एक्सेट्रा। भाई जहाँ पे खुदाई हो रही हो, एक्सकवेशन है या गहरा खड्डा खोदा जा रहा है या कोई छोटा खड्डा है, पीट है, कुछ भी है, ऐसा चीज करने से पहले वहाँ पे उस एरिया को बैरिकेड किया गया है या नहीं, यस और नो। ठीक है, ये हो गया, ये भी हो गया आपका, बैरियर भी हो गया। अब आता है वॉकवे एंड ब्रिज ओवर द एक्सकवेशन 4 feet और मोर देन इन डिफ्ट आर इक्विप्ड विद स्टैंडर्ड गार्ड रेल एंड टो बोर्ड। देखिए जब भी कहीं एक्सकवेशन हो रहा होता और उसके ऊपर से इधर से उधर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना बहुत ज़रूरी हो तो वहाँ पे वॉकवे या ब्रिज तैयार किया जाता है कम से भी कम 4 feet का, और वो भी गार्ड रेल और टो बोर्ड के साथ। अब नेक्स्ट पे आते हैं, वार्निंग वेस्ट और अदर हाईली विजिबल क्लोथिंग प्रोवाइडेड एंड वॉन बाय एम्प्लॉयज एक्सपोर्ट टू पब्लिक व्हीकलर। देखिए कई बार एक्सकवेशन जो है ऐसी जगह होता है जहाँ पे आने जाने का मेन रास्ता होता है, रोड होता है, चौड़ा रास्ता होता है, जहाँ से हैवी ट्रैफिक और नॉर्मल पब्लिक ट्रैफिक भी चलती रहती है, तो उन लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे कामगारों को हाईली विजिबल क्लोथिंग या तो जो एक वार्निंग वेस्ट होती है जो दूर से चमकती है वो दिए जाने जरूरी हैं। वो दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं पब्लिक व्हीकल से बचने के लिए, तो यस और नो आप यहाँ पे कर देंगे उसको। अगला, जे एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू स्टैंड अवे फ्रॉम द व्हीकल बींग
लोडेड और अनलोडेड। जब वो खुदाई कर रहे होते हैं एक्सकावेटर से, बैकहोए से, जिसको हम बोलते हैं जेसीबी से, जब हम खुदाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे डंपर भरने के टाइम में, डंपर खाली करने के टाइम में, या और किसी भी तरह के लोडर को लोड करते टाइम या अनलोड करते टाइम आसपास में, पीछे या कहीं पे भी हमारा एम्प्लॉय खड़ा होना चाहिए। देखिए, एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू स्टैंड अवे, दूर खड़े होने चाहिए, नहीं तो उसकी चपेट में आ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे आ गए वार्निंग सिस्टम एस्टेब्लिश एंड यूटिलाइज व्हेन मोबाइल इक्विपमेंट इज ऑपरेटिंग नियर द एज ऑफ द एक्सकावेशन। जहां पे खुदाई हो रही थी एक्सकावेशन के एज, यानी कि जहां से खुदाई हो रही है उसका जो किनारा है, उसके जो कोने हैं, बिल्कुल वहां पे एक वार्निंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक बोर्ड लगा होना चाहिए या आदमी खड़ा होना चाहिए कि जब भी वहां पे कोई भी व्हीकल आता है तो इतने एरिया से ज्यादा पीछे ना जाए, नहीं तो गड्ढे में गिर सकता है। इसके लिए वार्निंग जरूरी है। अब वो है या नहीं है वो आपको यहां चेक करके यस और नो डालना है। इसके बाद एम्प्लॉयज प्रोहिबिटेड फ्रॉम, एल पे आते हैं, एम्प्लॉयज प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग अंडर सस्पेंडेड लोड। ऊपर से कोई लोड लटक रहा है, सस्पेंडेड लोड है, तो कभी भी उसके नीचे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आपको चेक करना है एम्प्लॉयज प्रोहिबिटेड, ये हो गया सॉरी यूटिलिटी। अब यूटिलिटी में तीन पॉइंट आते हैं मेन चेक करना। यूटिलिटी क्या होता है, जब हम कहीं खुदाई कर रहे होते हैं तो जहाँ जिस एरिया पे खुदाई करना है उसके नीचे से क्या चीज़ गया हुआ है, उसके नीचे कोई चीज़ है क्या, कोई गैस की पाइप लाना हो, कोई पानी की पाइप लाना हो, कोई शिविर की ना हो, कोई बिजली की ना हो, टेलीफोन की ना हो, ब्रॉडबैंड कोई कनेक्शन की लाइन ना गई हो, वो सारी चीज़ों को यूटिलिटी में काउंट करते हैं। तो तीन होते हैं, सबसे पहला यूटिलिटी कंपनीज कॉन्टेक्टेड और यूटिलिटी लोकेटेड। भाई यूटिलिटी की जो कंपनी है, यानी कि जो चीज़ें मैंने बोली उनमें से कौन सी चीज़ यहाँ से गुजर रही है नीचे से जहाँ हमने खुदाई करनी है, उस कंपनी को या उस डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट है तो उस डिपार्टमेंट को कॉन्टैक्ट किया गया है या नहीं और उसको लोकेट किया गया है नहीं, ये चेक करना है। उसके बाद ही आप यस नो आगे डालेंगे। इसके बाद आता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ यूटिलिटी मार्क। भाई एग्जैक्ट लोकेशन के जहाँ से गई है, थोड़ा सा 2 फीट ऊपर है, 1.5 फीट पीछे, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी मार्क की हुई जानी चाहिए। यही यस नो आपने डालना है, किया गया है कि नहीं। अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस प्रोटेक्टेड सपोर्टेड और रिमूव्ड व्हेन एक्सकावेशन इज ओपन। जब एक्सकावेशन खुला हुआ है, खुदाई जब तो खुली हुई है, तो अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशन प्रोटेक्टेड सपोर्टेड, भाई इसमें प्रोटेक्शन क्या क्या लगाया जाता है, सपोर्ट क्या क्या लगाई जाती हैं, वो यहाँ पे तो नहीं बता सकता मैं। उसके लिए वही है, आपको एक्सकवेशन सेफ्टी के वो चैप्टर देखने पड़ेंगे, ये चेक करके आपको फिर वो लगा हुआ है कि नहीं, यस नो डालना पड़ता है आगे। अब आते हैं मीन ऑफ एक्सेस और एग्रेस। कहाँ गया भाई, ये रहा, यहाँ नंबर एक लेटरल ट्रेवल टू मीन एक्सेस। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे काम करने के लिए या आने जाने के लिए मीन ऑफ एक्सेस जो है एग्रेस है वो कम होता है, ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है, तो ऐसे में 4 फुट या इससे ज़्यादा की गहराई का अगर गड्ढा वहाँ किया गया है, एक्सकावेशन किया गया है, तो लोगों के बाहर निकलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 फीट का गैप होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि खुदाई की गई है यहाँ से यहाँ तक, इतना ये खड्डा खोदा गया है और यहाँ पे नीचे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो ये एरिया है ना, यहाँ पे बीच में से निकलने का रास्ता बहुत कम होता है, तो यहाँ से अगर हमने रास्ता दिया गया, लैडर लगाया या सीढ़ियाँ बनाई है या यहाँ से बनाई है, तो ये जो है 25 फीट से बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेटरल ट्रैवल जो बोलते हैं। इसके बाद अगर ज़्यादा खुदाई है, लंबी है, तो इसके बाद दोबारा एक और एक्सेस या एग्रेस दे सकते हैं, लेकिन कोई भी एक एक्सेस से दूसरी एक्सेस तक 25 फीट से ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार जब मिट्टी गिरने लगती है या ढह जाती है, पत्थर गिरने लगते हैं, तो आदमी ज़्यादा दूर तक भाग के नहीं जा पाता है, तो ज़्यादा ट्रैवल डिस्टेंस होना गलत होता है। इसीलिए और ये आपको चेक करके ही यस नो का जवाब करना है यहाँ पे। लैडर यूज्ड इन एक्सकवेशन सिक्योर्ड एक्सटेंडेड
3 फीट अबव द एज ऑफ ट्रेंच। खुदाई यहाँ तक की गई है तो लैडर आपको यहाँ से ऊपर, ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस पे ऊपर यहाँ कम से कम 3 फीट ऊपर होनी चाहिए और लैडर दी जानी चाहिए। लैडर आपकी नीचे से लेके सरफेस पे ऊपर 3 फीट एक्स्ट्रा लगी होनी चाहिए। ऐसा एग्जैक्टली जो बताया गया वो है या नहीं, यहाँ पे आप यस है तो ओके, नहीं है तो नो आप डाल सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल रैंप यूज बाय एम्प्लॉयज डिजाइन बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन। बस स्ट्रक्चरल रैंप ये है कि अगर बहुत थोड़ा सा ज़्यादा गहरा आप कर रहे हैं, सीढ़ी नहीं लगा रहे हैं, तो चढ़ने के लिए व्हीकल के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी जो रैंप बनाया गया है वो किसी समझदार आदमी के द्वारा, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा बनाया गया है या नहीं बनाया गया, डिजाइन किया गया है या नहीं, ये आपको चेक करना है। स्ट्रक्चरल रैंप हो गया, स्ट्रक्चरल रैंप यूज बाय इक्विपमेंट डिजाइन बाय रजिस्टर्ड प्रोफेशन, ये जान दीजिए ये चीज़ें, क्योंकि होनी नहीं भैया, ये चेक करेंगे तभी मिलना नहीं है। यहाँ पे कोई रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, किसी ने देखा हो तो बताना, शायद मैंने तो बहुत सारी साइटों पर काम किया कभी देखा नहीं है। ये बना होना चाहिए। कॉम्पिटेंट पर्सन का मतलब भी वही है कि हमारे कॉम्पिटेंट पर्सन इंडिया में सब सेफ्टी ऑफिसर ही होते हैं, ऑलमोस्ट सेफ्टी वाले होते हैं, तो उसने उसको चेक किया है कि नहीं भाई ठीक बना है कि नहीं बना है। ऐसा ना हो कि वो चिकनी मिट्टी से बना दिया है, चढ़ते उतरते टाइम ही वो गिरते रहे। इसके बाद आपका एम्प्लॉयज प्रोटेक्टेड फ्रॉम केविन वेन एंटरिंग ए एग्जिटिंग द और एग्जिटिंग द एक्सकावेशन। एक्सकावेशन में जब आदमी इंटर कर रहा है और बाहर निकल रहा है, वो टाइम में ऐसा ना हो कि आदमी सरफेस जो एज है, जो किनारे हैं, उस पे पैर रख के उछल के कूद के नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, और केविन का मतलब होता है कि मिट्टी ढह जाती है, उनके ऊपर गिर जाती है। तो आदमियों के चढ़ते और उतरते टाइम, एक्सकावेशन में एंट्री करते और एग्जिट करते टाइम में ध्यान देना है कि वो प्रोटेक्टेड है कि नहीं, कि लोग जब बाहर निकल रहे हैं या उसमें एंट्री कर रहे हैं तो उनके ऊपर मिट्टी ढह के गिर ना जाए, ये आपको ध्यान देना है, यस और नो का जवाब देना है। अब चलते हैं वेट कंडीशन, ये बहुत ध्यान देने की बात होती है, क्योंकि एक्सकावेशन जमीन के अंदर होता है और जमीन में नमी होती है, बहुत सारी जगह नमी होती है, कई जगह तो पानी भी निकल जाता है, तो हमें वेट कंडीशन चेक करना जरूरी होता है। वेट कंडीशन में क्या चेक करते हैं, प्रिकॉशन ए में प्रिकॉशंस टेक टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। पानी अगर जमीन से बार बार बाहर निकल रहा है तो आपको उस पानी को निकालना पड़ेगा, उसका डिवाटरिंग करनी पड़ेगी, डिवाटरिंग पंप लगा के उसको, स्पेशल कोई डिवाटरिंग वाले होते हैं हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट से या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से, वो उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। इससे हमें एम्प्लॉयज को बचा के रखना है, क्योंकि पानी बार बार निकलता रहे और एम्प्लॉयज उस पानी में काम करें वो गलत होता है। ठीक है, यस और नो आपने यहाँ पर डालना है, ये चेक किया है कि नहीं। इसके बाद वाटर रिमूवल इक्विपमेंट मॉनिटरिंग बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स पानी निकालने के लिए जिस पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिवाइडरिंग पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो भी आदमी इसको चला रहा है ना, उसको अच्छे से उसका नॉलेज होना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसी के नंगे तारों से वो बिजली से चला रहा है तो करंट लग जाएगा, या डीजल से चला रहा है तो उसमें ही लपेटे में आ जाएगा कोई। सरफेस वाटर और रन ऑफ डाइवर्टेड और कंट्रोल, ये है आपका कि कभी बारिश हुई या दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा पानी आ गया तो वो पानी सरफेस लेवल का कभी एक्सकावेशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, या तो उसको उसको डाइवर्ट करके रखना है, या तो फिर जो एक्सकावेशन है उसके चारों तरफ आपको मेड बना के उसको प्रोटेक्टेड करके रखना है। चलिए अगला है इंस्पेक्शन मेड आफ्टर एवरी रेन स्टॉर्म। देखिए जब भी बहुत ज़्यादा तगड़ी बारिश आती है या और ऐसा कुछ भी हैजार्ड किसी तरह का दूसरा खतरा बढ़ता है तो हर बार इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा। हर बारिश के बाद पहले इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही आगे एक्सकवेशन का काम स्टार्ट होगा। तो वो किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये आपको यस और नो का जवाब यहाँ पे देना होगा। अब बात करते हैं हैजार्डियस एटमॉस्फेयर की। हैजार्डियस एटमॉस्फेयर एक्सकावेशन नॉर्मली में तो नहीं होता है, लेकिन कई बार एक्सकावेशन की बजाय वो ट्रेंच होती है तो वहाँ पे हैजार्डियस एटमॉस्फेयर बनता है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं पहले। एटमॉस्फेयर विद इन द एक्सकावेशन टेस्टेड वेयर देयर इज ए रीजनेबल पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी
कम्बस्टिबल और अदर हार्मफुल कंटेंट एक्सपोजिंग एम्प्लॉय टू ए हैजार्ड। ये कहते हैं कि जब हम एक्सकावेशन की बजाय कहीं गहरी खुदाई में जाते हैं, जिसको हम ट्रेंच बोलते हैं, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर का, उसमें ऐसा तो नहीं हो कि ऑक्सीजन बहुत कम है या कम्बस्टिबल गैसेज कुछ हैं या ऐसा कुछ भी खतरा है जो हमारे एम्प्लॉय को वहाँ पर जो काम करने जा रहा है कामगार को नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो चेक किया गया या नहीं, आप ये सुनो डालेंगे। एडिक्वेट प्रिकॉशंस टेकन टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम एक्सपोजर टू एन एटमोसफेयर मिनिमम 19.5% ऑक्सीजन। ये आप भी जानते हैं कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कम का मतलब है कि ऑक्सीजन की जहाँ पे कमी होती है उसी को हम डेफिशिएंसी बोलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा होती है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो डेफिशिएंसी में क्या होता है कि 19.5 से कम, अगर 19.5% से कम ऑक्सीजन होगी तो वहाँ पे काम करना खतरे से खाली नहीं है, फिर वहाँ पे तरह तरह की दिक्कतें आने लगेंगी और लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ चेक करनी है। वेंटिलेशन प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट एम्प्लॉयज, हमें वेंटिलेशन वहाँ पे ज़्यादा खुदाई पे काम कर रहे हैं तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करानी पड़ेगी काम करने वालों को। अगर वहाँ पे LEL जो है लोअर एक्सपोजर लिमिट जो गैसेज हैं उनकी 10% से एक्सेस कर रही है, तो नहीं कर रही है तो भी भाई यही मानते हैं कि अगर ट्रेंच है और वहाँ पे काम करना मुश्किल हो रहा है, किसी तरह की हैजार्डियस गैसेज अगर डिटेक्ट होती हैं गैस टेस्टिंग में, तो वहाँ पे वेंटिलेशन तो देना ही देना पड़ेगा, भले ही ये चीज़ 10 की बजाय 20 हो या इसकी बजाय कितना भी हो। यहाँ पे यस और नो आपको देना कि वो चेक किया गया है या नहीं किया गया है। टेस्टिंग कंडक्टेड ऑफन टू इंश्योर दैट द एटमोसफेयर रिमेनिंग सेफ। ये आपने जो एटमॉस्फेयर है काम करने का वहाँ पे टेस्टिंग कंडक्टेड की गई थी ये चेक करने के लिए कि भैया जो काम करने जाएंगे उनके लिए ये वातावरण बिल्कुल सेफ है या नहीं है, वो चेक किया गया है नहीं, आप इसमें यस और नो डालेंगे। इसके बाद अगला है इमरजेंसी इक्विपमेंट सच एज ब्रीदिंग अपरेट्स सेफ्टी हार्नेस लाइफ लाइन बास्केट स्ट्रेचर रेडली, ये सारी चीज़ें देखिए इमरजेंसी इक्विपमेंट जितने भी चाहिए जो भी चाहिए, हालांकि एक्सकवेशन के टाइम में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन कभी भी अगर एक्सकवेशन ज़्यादा गहरा होता है और ऐसी जगह होता है जहाँ पे गैसेस टॉक्सिक गैसेस या वैसी दूसरी गैसेस का मिलना आम बात है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें इमरजेंसी इक्विपमेंट वगैरह रखने पड़ेंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट एड की कम्प्लीटली किट होनी चाहिए, ब्रीदिंग अपरेट्स होना चाहिए तुरंत उसको सांस दिया जा सके, आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी खुद देनी आनी चाहिए, सेफ्टी हार्नेस होनी चाहिए, लाइफ लाइन होनी चाहिए ताकि नीचे गया वो आदमी अगर इशारा करता है तो हम तुरंत उसको बाहर निकाल सकें, ऊपर लेके आ सके, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब वो है कि नहीं है या स्वर्ण वो आपको खुद देना है। यहाँ पर एम्प्लॉयज ट्रेंड टू यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड अदर रेस्क्यू, भाई हमने लोगों को सेफ्टी शूज, नोज मास्क, ब्रीदिंग अपरेट्स या बाकी सारी चीज़ें दे तो दी, आपने पर्सनल प्रोटेक्टिवमेंट्स दे तो दिए हैं या रेस्क्यू इक्विपमेंट दे दिए, लेकिन उनको वो ठीक से यूज करना आता है कि नहीं आता है वो इम्पोर्टेंट है, वो आना चाहिए उनको, ठीक है। इसके बाद अगला है सेफ्टी हार्नेस लाइफ लाइन यूज एंड इंडिविजुअली अटेंडेंट व्हेन एंटरिंग बेल बॉटम और अदर डीप कन्फाइंड एक्सकवेशन। बहुत गहरी कन्फाइंड एक्सकवेशन अगर है तो डेफिनेटली वहाँ पे तो ये आपकी चीज़ें सारे के सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज होते ही होते हैं, तो ये आपको चेक करना है भैया वो है कि नहीं है, यस और नो। अब आगे आते हैं स्पोर्टेड सिस्टम, भाई स्पोर्टेड सिस्टम जो लगाया जाना चाहिए वो है कि नहीं है, वो लगाया गया है कि नहीं। ज्यादा हो गया भाई, ये ठीक है। ओके, मटेरियल्स और इक्विपमेंट फॉर सपोर्टेड सिस्टम सिलेक्टेड बेस ऑन सोयल एनालिसिस ट्रेंच डेप्थ एंड एक्सपेक्टेड लोड। भाई जो सपोर्टेड सिस्टम बनाने के लिए मटेरियल यूज किया जाता है, इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, वो इस बेस पे यूज किए जाते हैं कि वो सोयल, वो मिट्टी किस प्रकार की है, ट्रेंच की डेप्थ कितनी है, एक्सकवेशन की डेप्थ कितनी है, एक्सपेक्टेड लोड उस पर कितना होगा, ये सारी चीज़ें चेक करके ही उसको बनाया जाता है। तो यही चीज़ें चेक की गई हैं या नहीं, ये आपको यस और नो डालना है, ठीक है। मटेरियल एंड इक्विपमेंट यूज फॉर प्रोटेक्टिव सिस्टम
इंस्पेक्टेड एंड इन गुड कंडीशन, उसमें लकड़ी का, स्टील का, जो भी मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो सारा इंस्पेक्ट करना है कि वो सही कंडीशन में है या बहुत सालों से इस्तेमाल होके टूट फूट गया, गल गया, फिर भी उसके इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब मिट्टी ढहने लगेगी दोनों तरफ से, मिट्टी केविन होने लगे, कोलेप्स होने लगेगी, तो वो रोक नहीं पाए। मटेरियल एंड इक्विपमेंट नॉट इन गुड कंडीशन हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम सर्विस। भाई अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, हमें लगता है कि ये इतना लोड नहीं ले पाएंगे, ये टाइम पे काम नहीं करेंगे, तो उसको वहाँ से हटाया गया है कि नहीं, उसको सर्विस से बाहर किया गया, कैंसिल किया गया है या नहीं, ये आपको यहाँ पे यस और नो देना है। डैमेज्ड मटेरियल और इक्विपमेंट्स यूज फॉर प्रोटेक्टिव सिस्टम इंस्पेक्टेड बाई ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल इंजीनियर आफ्टर रिपेयर एंड बिफोर यूजिंग प्लेस बैक। भाई कोई भी सपोर्टेड सिस्टम जब बनाया जाता है, बना के लगाया जाता है या उसको रिमूव करके रिपेयर करके वापस लगाया जाता है, उसको दोबारा इंस्पेक्ट किया जाता है वो किया गया है या नहीं किया गया है। प्रोटेक्टिव सिस्टम इंस्टॉल विदाउट एक्सपोजिंग एम्प्लॉयज टू द हैजार्ड ऑफ केविन, कोलैप्स और थ्रेड बींग स्ट्रक बाई मेटेरियल इक्विपमेंट। प्रोटेक्टिव सिस्टम इंस्टॉल विदाउट एक्सपोजिंग एम्प्लॉयज। भाई लगा तो दिया गया है लेकिन सही जगह वहाँ नहीं लगाया है जहाँ पे सच में खतरा है, जहाँ पे एम्प्लॉयज को चोट लगने का या मिट्टी के नीचे दबने का, केविन का या कोलैप्स का खतरा है, वहीं एग्जैक्ट सही जगह इंस्टॉल किया गया है या नहीं किया गया, ये आपको चेक करके ये यस नो देना है। मेंबर्स ऑफ सपोर्ट सिस्टम सिक्योरली फर्स्ट और नॉट। देखिए मेंबर्स मीन्स जो प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं, जो दीवार के, जो दोनों दीवारें होते हैं एक्सकावेशन के दोनों तरफ जो लगाए जाते हैं, उसमें जो उसके मेंबर्स हैं यानी कि उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे बढ़िया से फास्टनर मार के उसको अच्छे से इंस्टॉल किया गया है, ठीक से बनाया गया है या नहीं किया गया है, टू प्रिवेंट फेलियर। प्रिवेंट फेलियर मीन्स टाइम पे वो फेल ना कर जाएं, कहीं ऐसा ना उसमें कीले ठीक से नहीं मारे गए हैं, बोल्ट जो हैं उसके वो ठीक से अच्छे नहीं किए गए, तो सारे के सारे बोल्ट के साथ नट नहीं लगाए गए हैं और टाइम पे वो फेल कर जाए तो किसी काम का नहीं है, वो चीज़ आपको चेक करना होता है। सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड इन एंश्योर स्टेबिलिटी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर बिल्डिंग रोडवे साइडवे वॉल्स। भाई वो जो बनाया गया है ना उसकी इतनी औकात तो होनी चाहिए, इतनी स्टेबिलिटी तो उसकी होनी चाहिए कि जिस स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है, जितने लोड को रोकने के लिए बनाया गया है, उतना लोड लेगा या नहीं लेगा। एक्सकवेशन बिलो द लेवल ऑफ द बेस और फुटिंग सपोर्टेड अप्रूवल बाई RP means registered professional engineer। Excavation below the level of base, footing supported। फुटिंग सपोर्टेड मतलब जहाँ पे खड़े होके भी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे भी किसी तरीके की सपोर्ट की जरूरत है तो दे देते हैं, बाकी इसकी जरूरत कभी पड़ती नहीं है। आगे रिमूवल ऑफ सपोर्ट सिस्टम प्रोग्रेस फ्रॉम द बॉटम एंड मेंबर द रिलीज स्लोली एट द नोट बाय इंडिकेट पॉसिबल फेलियर। ये तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही गया है, इसको बार बार नहीं लेना है भाई, ये रिपीट कर रहे हैं चीज़ों को। कुछ और रह गया? ये था बैकफिलिंग, था बैकफिलिंग प्रोग्रेस विद रिमूवल ऑफ सपोर्ट सिस्टम। बैकफिलिंग मतलब एक बार खुदाई कर दी हमने, वहां पे जो बनाना था बना दिया है, उसके बाद बैकफिलिंग यानी कि वापस मिट्टी से भरना है, तो उससे पहले सपोर्ट सिस्टम को निकालना जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम के हर एक पार्ट को वहां से रिमूव करना, बाहर निकालना जरूरी है, उसके बाद ही बैकफिलिंग होगी, ये भी आपको चेक करना होता है। एक्सकवेशन ऑफ मटेरियल टू ए लेवल नो ग्रेटर देन 2 feet बिलो द बॉटम ऑफ द सपोर्टेड सिस्टम एंड ओनली इफ सिस्टम इज डिजाइन टू स्पॉट लोड कैलकुलेट फॉर द फुल डेप्थ। ये सारी चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं आपको महसूस होंगी जब भी आप काम करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम फॉलो भी नहीं कर पाते हैं, फिर भी बता देता हूँ। एक्सकावेशन मटेरियल जो है वो 2 feet से ज़्यादा बॉटम मीन्स जहाँ पे हमने सपोर्टेड सिस्टम लगाया है ना, उससे 2 feet से और ज़्यादा नीचे तक गहराई करनी नहीं है। जो एक्सकावेशन मटेरियल है वो भी जहाँ सपोर्टेड सिस्टम है ना उसके मैक्सिमम 2 feet नीचे तक ही आप यूज़ कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं, और ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना है। सील सिस्टम प्लेस टू प्रिवेंट लेटरल मोमेंट। शील्ड सिस्टम शील्ड होता है कि दोनों साइड में फट्टे लगा के ऐसे उसको मिट्टी को रोकने की कोशिश की जाए, जहाँ से आपने मूवमेंट करनी है, बीच में काम करना है, तो वहाँ पे शील्ड सिस्टम लगाना जरूरी होता है कि चलते चलते ही कहीं ऐसा ना हो कि आप दब जाए मिट्टी के नीचे। एम्प्लॉयज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिमेनिंग इन शील्ड सिस्टम ड्यूरिंग वर्टिकल मूवमेंट।
शील्ड सिस्टम क्या होता है पहले इसके बारे में जान लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार बताऊंगा तो भी समझेंगे नहीं। शील्ड सिस्टम क्या होता है ये देखने के लिए, ये समझने के लिए आपको हमारी एक्सकावेशन सेफ्टी के पूरे 6 पार्ट देखने पड़ेंगे, वो जाके देखिए तो ये वाला पार्ट आप समझ जाओगे। जब तक आप समझोगे नहीं भले ही हम कितना भी इसको पढ़ाने की कोशिश करें। चलिए अब आते हैं ट्रेंचिंग, ये है डेली ट्रेंच का। भाई ट्रेंच पे अगर काम करो डेली, आपको वहाँ क्या चेक करना है, आपको सबसे पहले डेट, आपको डेट चेक करनी है, उसके बाद आप सिग्नेचर करेंगे वहाँ पे जो भी है, वेदर कैसा है, गर्मी सर्दी बारिश, वो वेदर आपको लिखना, प्रोजेक्ट वहाँ पे क्या चल रहा है, वो वाज वन कॉल सिस्टम कॉन्ट्रैक्टेड यस और नो। भाई ऐसा कोई सिस्टम वहाँ पे लगाया गया, क्योंकि देखिए जब ट्रेंच में काम करते हैं ना तो कुछ ही सेकंड के अंदर ही हादसा होता है, और मिट्टी के नीचे जो दब गए ना उनके पास सिर्फ कुछ एक सेकंड होती हैं खुद को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए। उतनी देर में अगर उनको नहीं निकाला गया तो उनकी सांस रुक जाते हैं, दम घुट जाता है मिट्टी के नीचे दब के, और जीवन लीला समाप्त हो जाती है। भाई इसलिए वन कॉल सिस्टम कई जगह पे इस्तेमाल करते भी हैं शायद अभी, लेकिन पहले नहीं करते थे उतना। वन कॉल सिस्टम मतलब ऐसा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या, तुरंत एकदम से वहाँ पे टीम आ जाए, उन लोगों को बचा लिया जाए, यस या नो। प्रोटेक्टिव सिस्टम वहाँ पे लगाया गया है या नहीं लगाया गया, लगा गया तो ट्रेंच सिस्टम कौन सा है, ट्रेंच शील्ड है या वुड शोरिंग की गई है या स्लोपिंग किया गया या कुछ और सिस्टम लगाया गया है। पर्पज ऑफ ट्रेंचिंग, भाई ट्रेंचिंग की गई है तो वो किस पर्पज के लिए, ड्रेनेज बनाना है, सीवर बनाना है, वाटर लाइन डालनी है, गैस की लाइन डालनी है, या किसी और काम के लिए बनाया गया है। और विजुअल सोयल टेस्ट, विजुअल सोयल टेस्ट मीन्स जो मशीन होते हैं, जो मैकेनिज्म होता है सोयल टेस्ट करने का, उसके द्वारा टेस्ट किया गया है या नहीं, यस और नो। यदि किया गया है तो किस टाइप का किया गया है, टाइप ऑफ सोयल, टाइप ऑफ सोयल किस तरह की, स्टेबल रॉक है, टाइप ए है, बी है, सी है। सरफेस इनक्यूबरेंस, जो मैंने आपको बताया था कि अगर वहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया है तो इनक्यूबरेंस का मतलब है कि बहुत सारा बोझ है, वेट है सरफेस के ऊपर है या नहीं है, सरफेस खाली है या साइड में कोई दीवार है या कोई बिल्डिंग है या कोई खंबा है या बहुत बड़ा कोई हाई टेंशन पावर लाइन की वो क्या बोलते हैं पोल गए हुए हैं, क्या चीज़ है यहाँ पर बताना भी है उसको। उसके बाद वाटर कंडीशन कैसी है, वाटर कंडीशन मतलब भाई मिट्टी थोड़ी बहुत गीली है या मिट्टी पूरी सूखी है, सबमर्ज्ड का मतलब है पानी में ही डूबी हुई है भाई, या खुदाई करनी तो पानी के अंदर से ही मिट्टी बाहर निकाल के खुदाई करना है। चलिए विजुअल टेस्ट हो गया, वाटर कंडीशन हो गई, अब आते हैं हैजार्डियस एटमोसफेयर पे, हैजार्डियस एटमोसफेयर वहाँ पे है या नहीं। यदि है तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री का प्रोसीजर पॉलिसी और कंप्लीट कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी। इसके बाद आता है ट्रेंचिंग और एक्सकावेशन एक्सपोज टू पब्लिक व्हीकलर, भाई जहाँ पे ट्रेंचिंग या एक्सकावेशन किया जा रहा है क्या वहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक चल रही है या नहीं चल रही है, इस और नो। यदि हाँ वहाँ पे पब्लिक ट्रैफिक जा रही है तो कन्फाइंड स्पेस एंट्री के प्रोसीजर और बाकी सारी चीज़ें भी आपको लगानी पड़ेंगी यहाँ पे। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ ट्रेंच, भाई ट्रेंच का मेजरमेंट डेप्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है। लैडर इज लैडर विद इन 25 फीट ऑफ ऑल वर्कर्स, भाई 25 फीट की दूरी के अंदर अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया था कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक खुदाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 फीट का ही इंटरवल दे सकते हैं एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी के बीच में। तो जो लैडर दी गई है सभी वो लोगों के लिए जितने लोग काम कर रहे हैं वो 25 फीट के अंदर ही है या उससे भी ज़्यादा दूरी पे इंटरवल दिया गया है, यस और नो। इच एक्सकवेटेड मटेरियल स्टोर 2 फीट और मोर देन, जो कॉर्नर है, जो किनारा है, जो एज है जहाँ से खुदाई हो रही है उसके बिल्कुल किनारे से 2 फीट की दूरी पे या उससे भी ज़्यादा दूरी पे मटेरियल डाला गया है या किनारे के बहुत नज़दीक है, ये आपको यस और नो करना है। आर एम्प्लॉयज एक्सपोज टू पब्लिक व्हीकलर, भाई जो काम कर रहे हैं जो हमारे एम्प्लॉय हैं क्या ऐसा हो सकता है कि पब्लिक व्हीकल वहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी चपेट में आ सकते हैं, येस और नो। अगर येस है तो फिर उनको वो वेस्ट देनी पड़ेंगी जो रेडियम टेप लगा होता है जो दूर से दिखाई देती हैं, ठीक है। इसके बाद आर अदर यूटिलिटी प्रोटेक्टेड, भाई वहाँ पे कोई और यूटिलिटी जो हैं वो प्रोटेक्टेड की गई हैं क्या, हाँ या ना, कौन कौन सी है, वाटर की थी, सीवर की थी, गैस की थी, या मोबाइल लाइन थी, या क्या था वहाँ पे, या कोई और स्ट्रक्चर था नीचे से किसी तरह का, तो वो चीज़ें प्रोटेक्टेड की गई हैं या नहीं, यस और नो, ये आपको देखना है।
सीवर और नेचुरल गैस लाइन वहाँ पे हैं या नहीं, येस और नो। पीरियडिक इंस्पेक्शन, पीरियडिक इंस्पेक्शन मतलब कि हर एक शिफ्ट के बाद, हर एक शिफ्ट के बाद या डेली सुबह काम शुरू होने से, अगर एक ही शिफ्ट है 12 घंटे ही काम चलता है तो डेली काम शुरू होने से पहले, और अगर शिफ्टों में काम चलता है तो हर शिफ्ट खत्म होने के बाद और नई शिफ्ट शुरू होने से पहले जो इंस्पेक्शन होता है वो किया जाता है या नहीं, येस और नो। डिड एम्प्लॉय रिसीव ट्रेनिंग, भाई एक्सकावेशन की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दी गई थी या नहीं दी गई है, येस और नो। इसके बाद करेक्टिव एक्शन, ये लास्ट में है, इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपको लगता है इन सारी चीज़ों के बाद भी ये वाली चीज़ और नहीं है और होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आप इसको फॉर्म को, चेकलिस्ट को सबमिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग तो रहना चाहिए आपके लिए, क्योंकि पहली बार ये चीज़ दी है, इसकी ज़रूरत थी। पिछली बार भी जब हमने 5-6 पार्ट बनाया था एक्सकर्वेशन के, तो उसमें भी ये नहीं दे पाए थे क्योंकि पहले ही 6 पार्ट बन गए थे। तो चलिए फिर जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राम राम। करने से पहले एक और चीज़ बोलूँगा, अभी अगर पहली बार कोई ये वीडियो को देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारे पीछे की 250 वीडियो जो हैं वो दिखाई देंगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इतने लोग हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या गलत लगी, सही था, अच्छा था, आपके फ़ायदे का है या नहीं है, ये हमें बताने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।